प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर कल शिमला आएंगे। इस अवसर पर बीजेपी रिज पर जश्न मनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को हिमाचल में करने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनावी वर्ष में भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के लिए किया गया पीएम का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हिमाचल आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और 8 वर्ष के कार्यकाल को लेकर जो वो जश्न कर रहे हैं, जश्न जैसी आज कोई देश में स्थिति नहीं। अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे नज़र डालें, आज देश में भय का माहौल है, आज देश में लोग परेशान हैं, क्योंकि जिन वायदों को लेकर आप सत्ता में आए थे वो वायदा आपने पूरा नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था लचर हालात में, देश की सुरक्षा के साथ समझौता और आर्थिक जो बदहाली है उसके चलते देश की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका उसकी तरह बन गई कि हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष से माफ़ी मांगे ऐसी हम अपेक्षा नहीं करते, लेकिन जनता से ज़रूर मांगे, क्योंकि जो भी वायदे उन्होंने पूर्व में किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। सेब में उत्पाद शुल्क को 100% करने की बात थी, नेशनल हाईवेज की बात थी, रेलवे का विस्तारीकरण था, जिन भी मुद्दों पे उन्होंने वायदा किया था लोगों से वो पूरा नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि उन्हें चाहिए कि वो प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे और भरोसा दें कि भविष्य में जो उन्होंने कहा था वो पूरा करें। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।